बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद आईईटी। दोस्तों, आज बहुत स्पेशल अनबॉक्सिंग लेके आया हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि कीपैड मोबाइल को यूज करते हैं और उसको पसंद भी करते हैं, और साथ साथ में वो लोग जो टच मोबाइल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो उनके लिए आज बहुत स्पेशल तोहफा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यही वीडियो उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कीपैड मोबाइल पसंद करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा मोबाइल ले गए हो सब कुछ बताने वाला हूं, बस आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा। सबसे पहले इसका फिनिशिंग देखिएगा, काफी अच्छे पैक में आता है। अब देखिए कि कंपनी ने इसके ऊपर क्या मेंशन किया है। यहां देखिए आईटेल और साथ साथ में लिखा है वैल्यू 110। तो आज जो हम मोबाइल लेके आए ये आईटेल कंपनी का है और मॉडल है 110। तो यहां देखे, यहां लिखा है पीटीए से अप्रूव लिखा है और साथ साथ में इसी मोबाइल का मॉडल बना है। देखिए यहां पर उसका मॉडल बना है, आप उसको देख सकते हैं। और यहां राइट साइड के ऊपर लिखा है, देखिए रेडियो बना है और रेडियो के साथ साथ लिखा है वायरलेस एफएम। आप इसमें माइक नहीं लगाएंगे फिर भी रेडियो चलेगा, रही ना बात अच्छी। और साथ साथ में यहां पर देखे 100 लिखा है एक सर्कल के अंदर। इसका मतलब ये है, बताया गया है यहां पर छोटा छोटा लिखा गया है कि 100 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी, 100 दिनों के बीच में अगर ये खराब हो गया ना तो आप इसको दोबारा कंपनी के पास ले जाके आपको नया सेट देगा, ये कंपनी का एग्रीमेंट है। देखिएगा इस साइड के ऊपर लिखा है वैल्यू 110 और इस साइड के ऊपर भी लिखा है वैल्यू 110 और इस साइड के ऊपर सिर्फ लिखा है आईटेल और सील का 100 डेज नजर आ रहे हैं। अब इस साइड के ऊपर क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है, यहां सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन काफी है, यहां पर बताया गया है ये देखिएगा सनरेड। इस साइड के ऊपर कंपनी ने इसके स्पेसिफिक मेंशन किए हैं, वो आपने याद रखने हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। यहां देखे, यहां इसका डायमेंशन दिया है मोबाइल का, बताया गया है 113.5, 49.2 और साथ साथ में बताया गया है 14.3 मिलीमीटर। आप थ्री डायमेंशन इसको मेजर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन साइड की बात करते हैं। और साथ साथ में यहां पर बताया गया है 1.77 इसका स्क्रीन है और यहां मजीद पिक्सल का बताया है 160 और 128 और बताया गया है कि रियर कैमरा है, एक छोटा सा स्मार्ट कैमरा है, वो जब हम इसको अनबॉक्स करेंगे ना आपको नजर आ जाएगा। और यहां पर बताया गया है कि इसके अंदर फेसबुक भी चलेगा, अच्छी रही ना ऑप्शन। और यहां पर बताया है ब्राइट टॉर्च, तो इसके अंदर टॉर्च भी होने वाला है। और साथ साथ में बताया गया है कि इसके अंदर जो बैटरी आती है ना वो 1000 mAh की होती है। इसके अलावा यहां पर रैम और रोम के बारे में बताया गया है, 32 MB इसका रोम है और साथ साथ में 32 MB इसका रैम है। और आपको बताया गया है कि 32 GB तक आप इसका डेटा स्पेस बढ़ा सकते हैं। 100 दिनों में अगर इसके अंदर कोई खराबी आई तो कंपनी को दे दे, ये वापसी एक अच्छा सा सेट देगा, भाई यही वाला देगा, कोई और नहीं देगा। और साथ साथ में यहां पर लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, काफी अच्छी बात, ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ये सील ना हो ना, या इसको तोड़ा गया हो या इसको हटाया गया हो, तो फिर आप इसको परचेस ना करें। अब वक्त आ पहुंचा है कि इसकी सील को हम ब्रेक करें। देखे यहां से आपने इसका जो सील है वो ब्रेक करना है। हाँ, सील ब्रेक हो गया है, अब इसको ओपन करते हैं। यहां से इस तरह ओपन करना है। क्या क्या कंपनी ने भेजा है आइए देखते हैं। ये रहा हमारा मोबाइल फोन, काफी प्यारा कलर है, मजीद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपनी ने भेजा है। खोलते हैं, कुल जा सिम सिम, ये देखिएगा 1000 mAh की एक बैटरी आई है, काफी अच्छी क्वालिटी की बैटरी है। इसको हम ओपन करेंगे, चेक करेंगे और यहां पर एक चार्जर दिया है। मजीद इसके अंदर चेक करते हैं कि कंपनी ने क्या दिया है, कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं समझा था कि हेडफोन भी आने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर तो बिल्कुल भी हेडफोन नहीं है। तो इसको करते हैं साइड पर और इसको तो कोई भी नहीं पढ़ता। ये देखिएगा 12 मंथ्स वारंटी कार्ड, इसको आपने महफूज रखना है, कोई खराबी आई ना तो फिर बता देना है। तो चेक करते हैं अपना मोबाइल, काफी प्यारा लग रहा है। देखे यहां से इसको ओपन करते हैं, यार काफी इज्जत के साथ पैकिंग की गई है। देखे हम इसको खोलते हैं, वाव काफी प्यारा है, नोकिया से तो प्यारा नहीं है लेकिन गुजारा हो रहा है।
इसके अंदर रखते हैं। ये देखिएगा कितना प्यारा मोबाइल है, आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं यार, 60% भरोसा करें, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा प्यारा मोबाइल नहीं है, सिर्फ गुजारा कर रहा है। यहां से ये स्टिकर हटाते हैं, वाव मजा तो आ रहा है यार थोड़ा थोड़ा। ये देखिएगा यहां लिखा है आईटेल, इसकी कीज चेक करते हैं कि नरम है या थोड़े से हार्ड है। यार थोड़े हार्ड है, नरम नहीं है। मैंने कई यूट्यूबरों की वीडियोस देखी है, वो बोल रहे कि नरम है, बिल्कुल भी नरम नहीं है, थोड़े हार्ड है यार, सच बात ये है। मोबाइल का कलर तो सन रेड है, ये देखिएगा डार्क रेड की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर स्मार्ट कैमरा भी मौजूद है, यहाँ पर टॉर्च भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर चार्जिंग की जगह है, और साथ में हेडफोन वगैरह लगाने की जगह है, और इसके ऊपर भी लिखा है देखिएगा आईटेल लिखा है, और स्मार्ट कैमरा तो ये रहा। अब इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने सिम आते हैं और साथ में मेमोरी कार्ड आते हैं। तो यहाँ देखिएगा हम यहाँ से इसको खोलते हैं, काफी कड़क है यार, इसको थोड़ा नरम होना चाहिए था, जैसे कि नोकिया मोबाइल आ रहे। अगर आपका बजट बन रहा है नोकिया मोबाइल, तो बिल्कुल भी परचेस ना करें, खुदा इसको परचेस ना करें, नोकिया मोबाइल परचेस करें, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं। ये देखिए दो स्लॉट आए हैं सिम वन सिम टू का, और साथ साथ में यहाँ पर आप 32 GB का मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर बैटरी लगाते हैं, 1000 mAh की बैटरी होती है आईटेल कंपनी की, और लिथियम में आ रही है, काफी अच्छी बात है। इसके अंदर एक अच्छी बात यह भी है कि आप इसमें नोकिया वाली बैटरी भी लगा सकते हैं। देखिएगा हम इसके अंदर अभी सिम तो नहीं लगाते, सिर्फ बैटरी लगाते हैं। इसको यहां से बंद करते हैं, अब इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं आपके सामने। देखिएगा ये ऑन हो रहा है, शायद ये शोर भी करे, ये शोर करने लग गया है, ये इसने खामोशी इख्तियार कर ली। अंग्रेजी में इसको ऑन करते हैं, और ये बाद में सेटिंग में कर लूंगा, लेकिन इसकी मेन्यू बताता हूं कि मेन्यू में क्या क्या है। ये देखिएगा सबसे टॉप पर जो आया है कॉन्टेक्ट्स हैं, और साथ साथ में मैसेजेस है, इसके अलावा कॉल हिस्ट्री है, और इसके अलावा सेटिंग है, और आई जोन है, और साथ साथ में मल्टीमीडिया भी है, इसके अलावा यहां सेटिंग है, और सेटिंग के साथ साथ FM रेडियो है, और कोने में यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन भी दिया है। अब कुछ दोस्त मैसेज और कमेंट करेंगे, बताएंगे वाहिद भाई आपने इसके मुताबिक तो सब कुछ बता दिया लेकिन प्राइस नहीं बताई। भाई आज की डेट में जो इसकी प्राइस है, आज का डेट है 10 सितंबर 2022, जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 2200 रूपये से लेकर 2400 रूपये के बीच में मिलेगा। मैं मानता हूं कि शुरू में साल पहले या कुछ महीने पहले इसकी जो प्राइस थी 1300 रूपये थी, लेकिन अब जो इसकी प्राइस है वो 2200 रूपये से लेकर 2400 रूपये के बीच में है। अब आप ये भी पूछेंगे कि वाहिद भाई क्या आप आईटेल कंपनी हमारे लिए रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं? भाई मैं 20 से 30% रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि ये इतनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी नहीं है कि इसकी क्वालिटी ऐसी हो कि इसके ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट करें और उससे हम थोड़ी बहुत उम्मीद भी रखें। भाई बात ऐसी है कि इसकी जो क्वालिटी, आईटेल मोबाइल की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। फिर आप पूछेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि वाहिद भाई फिर आप कौन सा रिकमेंड कर रहे हो और कितने परसेंट तक रिकमेंड कर रहे हो? भाई नोकिया मोबाइल है पाकिस्तान के अंदर, उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, वो भी 60% से लेकर 80% तक। उसकी वजह यह है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, अगर वो आप चलाना चाहे तो वो आपके साथ तकरीबन एक मोबाइल 5 साल तक भी चल सकता है, और ये जो मोबाइल होते हैं ये साल के अंदर अंदर या 1.5 सालों के अंदर अंदर जवाब दे देते हैं कि मैंने मजीद नहीं चलना। तो कोई किस तरह बेवकूफ हो सकता है कि वो अपने पैसे जाया करे? तो लिहाजा मैं जो इसको रिकमेंड कर रहा हूं वो 20% से लेकर 40% तक है, और नोकिया मोबाइल जो पाकिस्तान में मिलते हैं 60% से लेकर 80% तक मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। आईटेल टेक्नोलॉजी में कीपैड मोबाइल जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, और साथ में जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर टॉर्च भी होता है,
और इसके अलावा आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन नोकिया में उसके जो छोटे सेट है जैसे कि नोकिया 105, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और उसकी जो प्राइसिंग है तो तकरीबन 4500 रुपए तक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यही वीडियो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके फायदे उठाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।